हेलो एवरीवन। सो सी मैट इज राइट अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ 4 दिन बचे सी मैट के लिए एंड अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब एंड ऑन टेलीग्राम मेनी वे मेनी पीपल हैव जस्ट रिक्वेस्टेड इन दैट सी मैट की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सी मैट का एक प्रॉपर वीडियो बना दो सो दैट लास्ट मिनट प्रिपरेशन में उनको परफेक्ट पड़ जाए। सो आई एम गोना राइट नाउ गिव यू strategy. Now this strategy I have discussed with CMAT ke toppers. Last year and last to last year maine total 3 toppers se baat ki and these are people who have scored 99.99 percentiles and 99.98 percentiles in CMAT and one was a GK topper and two were overall toppers. So I really hope that you like the video and if this is helpful then please just like and subscribe. It just helps me reach out to more students. Chalo. सही है। क्या क्या कवर होने वाला है, मार्किंग पैटर्न कैसे, सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, सिलेबस एंड कितना जल्दी आप टाइम यहाँ वहां दे सकते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट देयर इज अ कूपन कोड 2703। इट वाज टिल 7th बट बहुत सारे सीमैट स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की दैट 9th को सीमैट है तो दैट इज व्हाई आई हैव एक्सटेंडेड अप टिल 11th ऑफ अप्रैल। सो टिल 11th अप्रैल यू कैन यूज द कूपन कोड 2703। दिस इज फॉर द कोर्स लाइव लेक्चर्स everything that you need for CET is included there. So yeah, and the students have been till now loving it. So CMAT basically isme main is the slide mein dekhne jaisa hai hame that CMAT mein there are 200 questions, 5 section, all 5 sections I'll explain that kaun se section mein kitne questions solve karne hain. And apart from that you need to know that CMAT mein there is negative marking. So negative marking is something that is very troublesome. Agar sahi kiya to +4 milega, agar galat kiya to -1 milega. So in conclusion, many students think that गलत करने से माइनस वन मिलता है। नहीं, गलत करने से तुम्हारे अगर देखने हैं तो 5 marks जाए because you will be expecting मैंने 10 questions solve किए, 10 questions का मुझे 40 marks मिलना चाहिए but you won't get 40 marks. Instead तुम्हें 40 में से एक question गलत किया उसके 4 marks गए और ऊपर से negative marking करके 1. So every wrong question is basically -5 marks out of your expected score. So that is why the biggest thing to do in CMAT is mark only what you know. उसके ऊपर कुछ भी किया then you are risking जो तुमने मेहनत से marks कमाए वो भी चले जाएंगे। So yeah, ये 5 section है, ये 5 sections में तुम्हें strategy बताऊंगा किसमें कितने कितने questions solve करने हैं वो सब बताऊंगा। Mainly ये आ गया math, ये LR, GK, English and INE. INE नया वाला है तो उसमें भी सी जीके समथिंग दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, INE समथिंग दैट इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड देयर। तो उस हिसाब से आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इसमें क्या क्या प्रिपरेशन तुम अभी लास्ट 4 दिन में कर सकते हो, दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो या ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 4 marks + 1 mark - एंड कुछ भी क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता है तो इंस्टेड ऑफ मार्किंग समथिंग जो तुक्का मार रहे हो ऐसा करने से अच्छा क्वेश्चन छोड़ दो, तुम्हारे मेहनत के मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके सो या नाउ दिस इज द सेक्शनली तुम कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऑल्सो मैं पूरा सिलेबस एंड उसमें से कौन से टॉपिक्स करने हैं लास्ट 4 दिन में रिवाइज वो बताने वाला हूँ जस्ट आगे। सो या इन क्वांट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व 17 to 19 क्वेश्चंस लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज इज मेनली RC, ग्रामर एंड वोकैब। इसमें तुम करने वाले हो 18 क्वेश्चंस, LR में 17 से 19, GK में सबसे कम GK में सॉल्व करो, सिर्फ जो आता है वही सॉल्व करो। GK में अगर तुमने 14 से ऊपर कुछ भी किया वो सारा तुम्हारा बोनस है एंड 14 से ऊपर तभी ही जाना जब तुम 100% श्योर हो दैट मैंने जो मार्क किया वो सब कुछ सही है। सो या GK आई एम गोइंग टू मार्क विद अ रेड बिकॉज दैट इज वेरी 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 रिस्की। एंड फाइनली आ जाता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्चुअल में सेक्शन बहुत ज्यादा इजी है, यू डोंट हैव टू वरी अलॉट अबाउट इट। क्या क्या पढ़ के जाना है वो सब कुछ मैं थोड़े टाइम में बताता हूँ। सो इफ यू कंसिडर तुम्हें टोटल सॉल्व करना है 80 से 88। नाउ आई विल टेल यू व्हाई 80 से 88 का लॉजिक है इफ यू अंडरस्टैंड। सीमैट में टोटल स्कोर कितना है, लेट मी फाइंड, या सीमैट में टोटल स्कोर कितना है, इट इज टोटली आउट ऑफ 400 marks। लास्ट ईयर से वो अब तक चेंज नहीं हुआ है, हर एक सेक्शन 80 marks का। नाउ जी CET में लास्ट ईयर जो टॉपर था, लास्ट ईयर 99 100 percentiler, उसको एनी पर्सन इन CET इन CMAT हु इज गेटिंग ओवर 320 का स्कोर हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन एट JBIMS। लास्ट टू लास्ट ईयर वॉज एन एक्सेप्शन दैट इज 2019 जब CMAT का एग्जाम बहुत ईजी था तो जब टॉपर ही गया था 374
and the last person to get into JBIMS was 331. Okay, so 320 plus is the goal that you should have. Agar exam bahut zyada easy hua, agar tumhare questions bahut easy aa rahe, then the score will go up to 330 plus. But the safest score that I say for CMAT is, which is a almost 100% admission every year, is 340. 340 कितने मार्क्स पे आएंगे? About 85 questions अगर तुमने सॉल्व किए हैं सही, then you will get 340 का score. So basically what I'm telling you is that, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ that you can solve about 80 से 88. So that is your score, if you are solving things right, will be about 320. And the max score earning potential that you have is 372. So make sure that you are ranging between these two. Tumhe guarantee admission mil hi jayega. Aur topper, I guess, solves around 88 jitne questions solve karta hai. Okay? So yeah, now let's go on to the overall syllabus. A few good things about CMAT is that tum koi bhi section mein kidhar bhi skip kar sakte ho. In the entire slide, only one of that is the most important. That CMAT mein, you don't have any limitation like in CAT. That ye section ko itna hi time de sakte ho. You can solve any question for how much ever number of time you want. ओके नाउ सिलेबस कौन सी चीजें हमें कवर करनी है. नाउ जीके एज आई सेड इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, बट आउट ऑफ दिस आई सजेस्ट दैट व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट 4 days, जस्ट रिवाइज ऑन द रीसेंट स्पोर्ट न्यूज, रीसेंट पॉलिटिकल न्यूज, बिकॉज अभी ही इलेक्शन हुए, देर इज अ वेरी हाई चांस दैट दे माइट आस्क यू, बिकॉज इलेक्शन में द वे दैट आम आदमी पार्टी वन, इट वॉज रियली गुड इन पंजाब, सो काफी पॉलिटिक्स रिलेटेड दे कैन आस्क. साइंस इन एवरीडे लाइफ इज नॉट वेरी टफ, जो स्कूल में सीखा 10th तक का साइंस वही सब आता है, होम साइंस वी कैन से. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिलेटेड न्यूज. सो बिजनेस रिलेटेड न्यूज इज समथिंग दैट इज वेरी 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 कॉमन इन सीमैट. सो यू शुड नो दैट बिजनेस में आजकल क्या हुआ है, कौन सी कंपनी ने किसको टेक ओवर किया, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट यस्टरडे देयर इज अ न्यूज दैट केम आउट दैट एलन मस्क इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन ट्विटर, ही ओन्स अबाउट 7.9% स्टेक इन द एंटायर ट्विटर, सो दैट्स ह्यूज. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इफ यू नो देन इट इज वेरी 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 हेल्पफुल दैट तुम्हें सीमैट में हो सकेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जो है ये तुम्हें स्टैटिक जीके एंड ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल जीके एंड हिस्टोरिकल जीके, ये दोनों हर साल आए हैं. देयर इज नॉट इवन वन ईयर व्हेन दिस हैज बीन मिस्ड. कल्चर इज समटाइम्स देयर समटाइम्स नॉट देयर, सो आई विल राइट अ क्वेश्चन मार्क देयर. सो फॉर द लास्ट, बेसिकली फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई विल से लास्ट वन ईयर का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये कर लो बिजनेस रिलेटेड के लिए. ऑल्सो लुक एट कंपनी के हेड्स, मेजर कंपनी के हेड्स. Because काफी ये साल कंपनीज के चेंज हुए हैं हेड्स. इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ वी हैव सीन अ लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफिकल, आई विल से दैट लर्न अबाउट ऑल द स्टेट्स प्लस रिवर्स, एवरीथिंग ऑलमोस्ट रिलेटेड टू इंडिया ओनली, बाहर का जीके ज्यादा आता नहीं है. ट्रेड अवेयरनेस इज अगेन बिजनेस रिलेटेड. इकोनॉमिक्स इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो इसमें बेसिकली तुम्हें पूरा बजट रट के जाना है. बजट के जो मेन पॉइंट है जो पूरे रट लो, तुम्हें पता होना चाहिए दैट बजट में उन्होंने कौन सी चीज पे एम्फेसिस बढ़ाया है, किस पे उन्होंने हेल्प थोड़ा कम किया है, तो वो सब तुम्हें पता होना चाहिए. एंड पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली द रीसेंट पॉलिटिक्स विच हैज हैपेंड इन द कंट्री, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए. चलो नाउ क्वांटिटेटिव, हियर इज वेयर द गेम बेसिकली बिगिंस. हमें 17 क्वेश्चंस करने हैं. Out of which, I will suggest that the most important thing that I will do if I were in your place is tabulation. Apart from that, percentages, SICI, geometry, averages, profit and loss. Geometry के साथ तुम्हारा mensuration हो जाता है तो tension नहीं है. These are the most important topics. Right side में topics है जो कभी कभी आते हैं. Like they are not a always thing. Left side वाले topics हमेशा आते हैं. Almost always they have come in CMAT. इसमें से the most important ones that I'll say is ratio proportion, time speed distance,
टीएसडी अगर तुम्हें पता हो तो तुम रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, द सेम विद टाइम एंड वर्क. तो ये तीन करने हैं. वेट, आई जस्ट यूज अ मार्कर फॉर दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेन. सो आई विल से ये करना है, ये करना है, ये करना है. इनइक्वालिटी मत करो, नंबर सिस्टम्स मत करो, पार्टनरशिप्स कर लो. पार्टनरशिप्स अगेन रेशियो प्रोपोर्शन के साथ हो जाएगा. एलिगेशन मिक्सचर्स रेशियो प्रोपोर्शन, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस छोड़ दिया चलेगा. सो दिस द वंस दैट आई एम मार्किंग इन रेड आर द वंस दैट अगर तुम्हारा नहीं हुआ है और तुम छोड़ देते हो तो चल जाएगा, बिकॉज दे आर लेस, दे हैव कम इन सीईटी सीमैट ओवरऑल लेस. ओके, पीएनसी, अल्जेब्रा एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स. पाइप्स एंड सिस्टम्स इज एज गुड एज टाइम एंड वर्क, तो वो भी कर लो. ओके, सो द वंस विच आर ऑन द लेफ्ट साइड सारे के सारे रिवाइज करने हैं. राइट साइड वाले सिर्फ येलो वाले कर लो, रेड वाले छोड़ दोगे चलेगा. सिमिलरली इन लैंग्वेज कंप्रेंशन, दैट इज इंग्लिश बेसिकली, इंग्लिश में तुम्हें क्या क्या करना है इसमें से, आई से सिनोनिम्स एंटोनिम्स इज समथिंग जो तुम अब तक तुमने जितना किया है ना उतना ही ध्यान रखो. तुम्हारी एक वोकैबुलरी शीट रेडी होनी चाहिए, वोकैब शीट को रिवाइज करो, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड मत करो. और अगर वोकैब नहीं किया है तो आज से प्लीज वोकैबुलरी मत स्टार्ट करना, बहुत टाइम खा जाएगा और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन यू, अगर तुमने किया है वोकैबुलरी शीट रेडी तो उसको रिवाइज करो, अदरवाइज फॉरगेट इट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग दैट इज अ लॉन्ग टर्म रीडिंग प्रैक्टिस. आई सजेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक तरीका होता है, आई मेक अ आरसी का वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व इट इन सीमैट, आई अपलोड इट अप बाय टुमारो, एंड तो वो मैं समझा दूंगा. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश यूजेज एरर्स, ये सब के लिए, सो ये सब के लिए है ना, यू विल बेसिकली नीड ग्रामर, दैट्स इट. तुम्हें बाकी कुछ नहीं करना है, तुम्हें ग्रामर चाहिए खाली. अगर तुम्हारा ग्रामर सही है, देन यू कैन रियली डू पैरा कंप्लीशन, इंग्लिश ग्रामर, यूजेज एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वेरी वेल. एंड दिस ऑल्सो सेंटेंस करेक्शन, बट idioms एंड फ्रेज, वन वर्ड, ये दोनों के लिए तुम्हें चाहिए vocabulary. तो ये synonym, antonyms, ये सब इसके साथ आ जाता है, vocabulary. And finally, jumbled para. Paragraph is parajumbles. Parajumbles में तुम्हें very simply, most of the times you must know, CMAT में वो लोग पूरे पूरे sentences देते हैं, आधे आधे sentences नहीं देते, and पूरे sentences are always related to each other. So that is, जो फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट होगा वो सेकंड सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा, जो सेकंड सेंटेंस का लास्ट होगा वो थर्ड सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा. दिस इज अ जनरल पैटर्न दैट आई हैव सीन इन सीमैट क्वेश्चंस. ओके, दे आर वे इजियर देन सीईटी. सीईटी के लेवल से बहुत ज्यादा इजी है. सीईटी का इंग्लिश इज वे मोर डिफिकल्ट देन सीमैट का इंग्लिश. नाउ देयर इज एलआर. एलआर में आई सजेस्ट यू गाइस दैट तुम्हें सबसे पहले ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड जो भी पूरा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, सीआर वाला पार्ट तुम्हें पूरा करना पड़ेगा. तो ये एक बार खत्म कर लो. ये दो, क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें आ गया इन्फरेंस एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट अजम्पशन. ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बाद में आ जाते हैं द वंस विच आर, उसमें तुम्हें मेहनत करनी है बट नॉट दैट मच. सो आई एम गोना मार्क इट विद पिंक. इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है. सो दैट इज लीनियर अरेंजमेंट, बिकॉज उसमें तुम दो दिन में ज्यादा कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते. एनालिटिकल रीजनिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इनमें तुम दो दिन में जितना हो सके उतना ही थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो. एंड ये भी सीआर का पार्ट है. द वंस विच इफ यू हैव नॉट, अगर तुम उनमें वीक हो तो अभी के लिए छोड़ देना है, वो है नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, सीक्वेंसिंग, एनालॉजी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. ये सारी चीजें एंड सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, दिस इज समवेयर इन अ ग्रे एरिया. चलो रिवाइज कर लो, ठीक है, और लेट्स कीप इट इन अ पिंक. सो या, योर पिंक आर द वंस जिस पे तुम अभी थोड़ा मेहनत करके यू कैन गेट लाइक 60-70% एफिशिएंसी देयर. येलो वाले तुम्हें प्रॉपरली एकदम बैठ के रिवाइज करने हैं. ओके, यू कैन नॉट स्किप द येलो वंस. एंड फाइनली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द वन दैट मोस्ट पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर. सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बस तीन ही चीजें तुम्हें करके जानी जो तुम लास्ट तीन में कर सकते हो. बिजनेस रिलेटेड नॉमेनक्लेचर, तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज सीड फंडिंग. यू शुड नो व्हाट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग यू नीड, हु विल प्रोवाइड द फंडिंग. यू शुड नो व्हाट अ यूनिकॉर्न इज, अ डेकाकॉर्न. यू शुड नो बेसिकली दैट, जो फॉर एग्जाम्पल समझो अगर तुम शार्क टैंक में जा रहे हो या फिर शार्क टैंक शो देख रहे हो तो तुम्हें ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी पता होंगे. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. इफ नॉट,
you guys will just have to read up through general simple business nomenclature. Just search on Google business nomenclature. That will really help you out. Business GK and current affairs. Business GK ki kaun si kaun si cheeze business mein chalti hai. If you are a entrepreneur and if you have to do this kind of a business, then what is the basic government regulations that will be stopping you? Agar tum share market mein ho ya fir share market related hai to kaun se, who is the governing body, wo tumhe pata hona chahiye. And current affairs is kaun se business ne kisko take over kiya. This is again very synonymous with the GK wala part. And finally, general business workings. तुम्हें finance और marketing के basics आने चाहिए, P&L account और balance sheet तुम्हें आना चाहिए, और उसके ऊपर marketing का तुम्हें थोड़े Philip Kotler के ऊपर से concepts या Philip Kotler की summary एक पढ़ लो. Obviously, summary में Philip Kotler पूरा नहीं आ जाएगा, but at least तुम्हें थोड़े concepts पता चल जाएंगे. So 5 P's of marketing, 7 P's of 4 P's of marketing and 7 P's of marketing, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. Okay? These are something that will really help you out because वहाँ पे वो लोग तुम्हें ज्यादा वर्ड्स रिलेटेड हैवी वर्ड्स नहीं पूछेंगे. वो लोग पूछेंगे तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है, दैट इज व्हाट दे वांट टू सी. तो अगर तुम नॉर्मल बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज से वाकिफ हो तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट. चलो, सो दैट एंड्स द वीडियो. एंड एज आई सेड, इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन जस्ट ड्रॉप अ लाइक एंड प्लीज कमेंट ऑन व्हाट एल्स डू यू वांट अ वीडियो ऑन, बिकॉज द नेक्स्ट फ्यू डेज आई एम गोइंग टू बी रियली रियली एक्टिव बिकॉज सीमैट है. एंड सो या, आई होप टू get to know about how you found the video in the comments. Bye guys.